उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में पीएचडी कांड में धांधली सामने आने और तत्कालीन कुल सचिव समेत 5 प्रोफेसर व 3 छात्रों पर केस दर्ज होने के बाद गुरुवार को लोकायुक्त ने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे को तलब किया। कुलपति से लोकायुक्त निरीक्षक ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर लोकायुक्त संबंधित संदिग्ध 9 छात्रों से पूछताछ करेगा। संदिग्ध 9 छात्रों को भी तलब किया गया है जो शुक्रवार को अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं। आशंका है कि इनके बयान दर्ज होने के बाद लोकायुक्त उक्त छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। बुधवार को भी लोकायुक्त ने उज्जैन के अमित मर्मठ, गौरव कुमार शर्मा और देवास की अंशुमा पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। तीनों की ओएमआर शीट में गड़बड़ी मिली है। उक्त मामले की शिकायत छात्र नेता बबलू खिची ने लोकायुक्त को की थी। ये पीएचडी कांड घोटाला की जो विवेचना लोकायुक्त में चल रही है, विवेचना के दौरान कुलपति महोदय को भी पूछताछ हेतु बुलाया गया था, बयान लिए गए उनके, और बयान लेने के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 21 जून को एक एफआईआर की गई थी जिसमें 5 आरोपी बनाए गए थे, एक कुल सचिव और 4 प्रोफेसर सहित, और 3 आरोपी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, इनकी ओएमआर शीट में काट छाट कर पास किया गया था, उनको भी 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। ऐसे कुल मिलाकर अभी तक 8 आरोपी हो गए हैं और अन्य के खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।